खबर मिली क्या पुलकित सर की? सही, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कुछ पता चला क्या आपको? वो मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। हाँ माधुरी ताई, मैं अभी आती हूँ। ओके सही। माधुरी ताई मुझे ऐसा क्या बताना चाहती है? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैसेज भाऊ ने किया है। घर वालों को लगता है कि देवी ताई की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं, और शायद उन्हें सही लगता है। पुलकित सर पे भरोसा करके मैं उन्हें चौहान निवास वापस लेकर आई थी, लेकिन अब इस मैसेज के बाद मैं उनका साथ कैसे दूं? मैं उनका जितना बचाव कर सकती थी मैंने कर लिया, अब और नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो अपने भाऊ का बचाव कर सकती हूँ ना। पता है सही, मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, मैंने भाऊ को देवी के लिए तड़पते हुए देखा है, उसकी यादों में रोते हुए देखा है। आप एक मिनट सही, ये देखो, देखो इसे सही, क्या कहीं से भी ऐसे आदमी लगते हैं कि किसी को भी धोखा दे दे? नहीं लगता। ये देखो सही, देवी। थैंक गॉड तुमने मेरी जान बचा ली। कैसे? अगर तुम 2 मिनट भी लेट होती ना, 2 मिनट भी, तो फिर मैं तो मतलब I love you, Devyani. Will you marry me? Of course. Thank you. Devi, video. Hi. देविता और पुलकित सर तो वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। करते थे नहीं सही, करते हैं। ये देखो सही, ये सारी शॉपिंग भाव ने देवयानी के लिए की है। ये देखो साड़ी कितनी सुंदर है ना, और भी है। ये देखो दुकान की सबसे महंगी साड़ी भाऊ ने खास देवयानी के लिए खरीदी है, और ये देखो गहने प्योर गोल्ड के हैं, और भी बहुत कुछ है। ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर है, और ये सैंडल, ये मेकअप का सामान, ये सब कुछ भाऊ ने देवयानी के लिए खरीदा है। सही, अगर भाऊ को देवयानी को धोखा देना ही होता तो ये सब कुछ क्यों खरीदते? अगर उनको उससे प्यार ही नहीं होता तो ये सब कुछ क्यों करते? बताओ सही, अगर अभी भी तुम्हें शक है तो एक मिनट। ये देखो, पढ़ो इसे, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि भाऊ देवयानी से कितना प्यार करते हैं। आज इतने सालों बाद देवयानी से मिला, वो आज भी उतनी खूबसूरत है जितनी तब हुआ करती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है देवयानी मेरी जिंदगी में वापस आने वाली है, हमारी शादी होने वाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बस हमारी शादी का इंतजार है। इंतजार है? देवयानी को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं भाऊ, और जो इंसान उसे इतना ज्यादा प्यार करता हो वो किसी से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? और ये संगीता देशपांडे कौन है? जितना मैं भाऊ को जानती हूँ, उनकी जिंदगी में ही क्या, उनकी जान पहचान में भी संगीता नाम की कोई औरत नहीं है। अगर वो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानते तो फिर वो मैसेज उन्होंने क्यों भेजा? देखो ना,
इन सब में मैंने तुम्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। माधुरी दीदी की बात तो सही लग रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सही, ये क्या बदतमीजी है? क्या सोच के तुमने मुझे ये घटिया मैसेज भेजा है? लेकिन कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं किया आपको। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये देखो, तुम्हारे फोन से आया हुआ है ना ये मैसेज, पढ़ो इसे। माधुरी दीदी, आप बेवकूफ है और आप बेवजह पुलकित सर का साथ दे रही है। वो एक फ्रॉड है, धोखेबाज है। माधुरी दीदी, मैंने ये मैसेज नहीं भेजा है। आप चाहे तो मेरा फोन देख लीजिए, मैं आपको अपना फोन दिखा देती हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन तो यहीं था। मेरा फोन कहाँ गया? यहीं तो था। तुम्हारा फोन मेरे पास है सही, यहीं पे पड़ा था तुम्हारा फोन। मैं जब किचन गई थी तो मैंने छुपके से वो उठा लिया था, और फिर ये मैसेज मैंने तुम्हारे फोन से खुद को भेजा। लेकिन क्यों? आप साबित क्या करना चाहती हैं? मैं बस यही साबित करना चाहती हूँ सही, कि जरूरी नहीं होता है कि मैसेज जिसके फोन से आया हो उसी ने किया हो। हो सकता है कि कोई और फोन लेके मैसेज कर रहा हो, जैसे मैंने तुम्हारा फोन लेके खुद को मैसेज किया था। हो सकता है कि भाऊ का फोन लेके कोई और मैसेज कर रहा हो। आई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुलकित सर के फोन से कोई और मैसेज कर रहा है और पुलकित सर को पता ही नहीं है कि ये सब हो रहा है? दाडू सुट्टो, याद है आई, अश्विनी काकू ने मुझे सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिखने की सलाह दी थी। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी अच्छी कहानियां बना लेती हूँ। और अब देखो सही भाभी को, अरे ये तो मुझसे भी चार कदम आगे निकल गई है। और नहीं तो क्या? सही, एक तो तूने उस पुलकित की वजह से पूरे परिवार को परेशान करके रखा है, अब तो खुद भी परेशान हो रही है। अरे वहिनी को देख, परेशानी टेंशन तनाव के मारे एक अन्न का दाना नहीं लिया है उन्होंने मुंह में। तू क्यों नहीं मान लेती कि वो पुलकित धोखेबाज है, बता मुझे। लेकिन काकू पुलकित सर, सुनो 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 ना सही, कोई और क्यों पुलकित के फोन से ऐसे मैसेज करेगा, है ना? कोई तब जब वहनी ने खुद उसे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दिया था, उसे मिलने अपने घर बुलाया था, उसका इंतजार किया था। वही तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है पुलकित सर के पास उनका फोन हो ही नहीं, और जिसके पास उनका फोन है वो इस मौके का फायदा उठा रहा है, उन्हें गलत साबित करने पर तुला हुआ है। मस्त मस्त, ये हो सकता है, वो हो सकता है, दुनिया भर की चीजें हो सकती है, लेकिन तू और तेरा पुलकित सर कभी गलत नहीं हो सकते। अरे उसने अपने मैसेज में साफ साफ अपनी सच्चाई लिखी है, फिर भी तू अपनी आंखें बंद रखना चाहती है? जब तक मैं खुद पुलकित सर के मुंह से ये बात नहीं सुन लेती, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पुलकित सर देवी ताई को धोखा देने की सोच रहे थे?
तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ काकू कि हो सकता है पुलकित सर को कोई कहीं ले गया हो, उनसे उनका फोन छीन लिया हो और ये सारी चालें चल रहा हो। मस्त मस्त, अब और कुछ नहीं सूझ रहा है तो काकू ने बोला था पुलकित सर को बुलाने के लिए। तू अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे सर पर मत फोड़। हाँ, और वैनी ने जो किया था वो अपनी बेटी की भलाई के लिए किया था, इस परिवार की सुख शांति के लिए किया था, लेकिन तूने क्या किया? तूने सारी बातें जाकर उस तुम्हारे पुलकित सर को बता दी। इतना ही नहीं, विराट की जांच पड़ताल के बारे में भी सब कुछ जाके उस पुलकित सर को बता दिया। ओमी, तू सच कह रहा था, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन बाबा आप देखो अभी भी लेकिन, अरे दादा इसका लेकिन तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगर अच्छा हुआ तूने पुलकित को सब कुछ बता दिया, तभी तो भाग गया वो। हो ना, जैसे उस पुलकित ने इसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया, तो वहनी को भी ये विश्वास बिलीव यकीन दिला देता तो वहनी तो इस शादी के लिए मान ही जाती। वही तो, यही बात तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। काकू तो पुलकित सर से मिलने के लिए तैयार थी, उन्हें एक मौका देने के लिए तैयार थी। अगर पुलकित सर के मन में कोई भी बदले की भावना होती तो वो इस मौके का फायदा उठाते ना, ना कि मेरा फोन उठाना बंद कर देते। और फिर अचानक से उनके दो मैसेज आते हैं जिसमें वो खुद अपनी गलती मान रहे, कबूल कर रहे। क्या आप लोगों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है? इसमें अजीब क्या है? हाँ, अजीब बात है काकू, बिल्कुल अजीब बात है। पुलकित सर मुझे मैसेज में अपना पूरा प्लान बता रहे हैं, तो फिर वो एक मिनट के लिए मेरा कॉल उठाकर मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते? ये तो तब जब मैं उन्हें लगातार कॉल कर रही हूँ, बार बार कॉल कर रही हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।